हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। और आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा हूँ मैं। और बात यह है कि हमारे अहसान भाई अमेरिका में रहते हैं, ये इन्होंने किट्स वगैरह मंगवाई हैं, तो हमारे सबको बोले हमारे सब ये आ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं SM स्पोर्ट जा रहे हैं, और हार्ड बॉल की किट्स वगैरह लेंगे, और फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं क्या क्या हम ले रहे हैं, क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं, और फिर चलें हमारे भी नीचे खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं वहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम ये घर के बाहर हमारे साहब आ चुके हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं क्यों आए और हमें भी लेके जा रहे हैं। हमारे साहब क्या सीन है, घर के बाहर आप आए हुए हैं, क्या सीन है इतने सारे बच्चे लेके? यार हार्ड बॉल की टीम बनाई थी ना, उसके जितने में किट वगैरह ले जानी है, तो अब जाहिर सी बात है बच्चों को शुरू हो गया, मेरा बल्ला, अब इनको बल्ला जाएगा, उनको बल्ला आएगा, उनकी विकेट आएगी, ये अजीब सीन है। क्रिकेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, भले इनको चाहिए। भाई आप देख सकते हैं वो हार्ड बॉल की टीम बना चुके हैं हमारे साहब, अगर आप भी कोई अच्छा प्लेयर है तो कमेंट में बताएं, आपको भी चेक करेंगे हमारे भाई। लड़के तो करने हैं ना अभी? हाँ लड़के करने पड़ेंगे भाई, पूरी टीम बनानी पड़ेगी। अब दो किटें लेता हूँ, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक है सही। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गरियाबाद जाएंगे, जरा यूपी जाएंगे, जावेद स्पोर्ट्स जाएंगे, और SM स्पोर्ट्स है, दो तीन जानने वाले हैं। ठीक है किसके पास क्या अच्छा सामान मिल जाता है। चलें ठीक है, हम लोग देखे जा रहे हैं, जयगरियाबाद जा रहे हैं, और उसके बाद जो जो अपडेट होती है वो आपको देते हैं। देखिए देख सकते हैं हम गरियाबाद आ चुके हैं, और गन के बैठ के रेट पूछते हैं CA वाले से। आ जाओ जल्दी, चलो बच्चों। हाँ भाई कौन सा बैट लेने आया आज? हाँ हार्ड बोलो, कौन सा बैट लेने आया यार? बस देखते हैं आप कौन सा बैट लेते हैं। और मैं तो हमारे साहब को होता है, हमारे साहब मोर्गन बहुत बेहतरीन बैट है, रेट में थोड़ा हाई है लेकिन बैट बहुत अच्छा है। चले हम देखते हैं, हम CA स्पोर्ट्स से ज़रा चेक करते हैं बैट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बैट कौन सा चल रहा है CA का? CA का कौन सा चाहिए आपको? आप बताएं। मोर्गन है? मोर्गन मिल जाएगा। कौन सा एडिशन? कौन सा? बल्कि मोर्गन अभी नहीं है, वो है प्लेयर एडिशन है, 7 स्टार। कितने का चल रहा है, रेट क्या है? 77,000 रुपये का। और 20K? 20K 90 का। 90 का हो गया, आपके पास नहीं है वो? अच्छा, ज़रा दिखाएं, 7 स्टार दिखाएं। तो आप रेट देख सकते हैं, 77,000 बता रहे हैं 7 स्टार CA के, और 20K इनके पास अवेलेबल नहीं है। 20K एडिशन हो गया, 90,000 रुपये का बोल रहे हैं। बैट देखें आप बस, सब बैट चेक कर रहे हैं, इसका आइडिया नहीं मुझे। वेट क्या है इसका? वेट तकरीबन 2.7-2.8 होगा। सारे वेट्स में आता है ये? ये 15,000 है, 42,000 रुपये का। 2.7-2.8 मिलेगा, इससे लाइट नहीं होगा। बेटा ये बल्ला रख देना इधर। अब CA के बैट थोड़े हैवी होते हैं। वेट अभी आजकल थोड़ा आ रहा है, बाकी तो आता है इसमें नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल वेट का आ जाता है। 2.45 में नहीं मिलता इतना, तो कोच भी प्रिफर नहीं करते यार। आज के जो लड़के हैं टेबल वाला माहौल बना हुआ है, आपको पता है, फिर लाइट वेट यूज़ करना पसंद करते हैं। लाइट वेट ले लेंगे, बल्ला वाइब्रेट कर ही आएगा वो। ये 15,000 है, ये आप देख सकते हैं, ये आप पाकिस्तानी प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। रेडी टू प्ले होता है? रेडी टू प्ले बॉटम निकल जाता है अगर आप मारो, मैंने तो देखा है। हाँ साहब, हमारे साहब क्या बैट समझ आ रहा है आपको? मैं तो रेट बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा मार्केट भी देख लें आप। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जो माइंड बना के आया था कि 55-60 तक का देखूँगा, लेकिन अभी ये चल रहा है कितना, 77 बताया, 77 और 42 और 15,000 है। 20 तो इसमें 7 स्टार दिखा दूंगा, उसका मसला नहीं, आप इसमें बोलेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें बोलेंगे। यार इस रेट में आप मोर्गन दो तो फिर बात हो ना। सब एड निकाल लें, देख सकते हैं आप, रेट देख सकते हैं आप। भाई आपसे पूछना चाहूँगा, ये लोग बोलते हैं रेडी टू प्ले है लेकिन टूट जाता है, तो आप इसका बताना, रीज़न क्या है इसका? भाई रेडी टू प्ले तो कोई भी बैट नहीं होता, करनी पड़ती है हल्की फुल्की जो है, ताकि लकड़ी की जो स्टार्टिंग की प्रेसिंग होना होती है ना, वो हो जाती है। बिल्कुल, बाकी तो है कि अगर आपका मिडिल अच्छा है तो आप पहले बॉल से खेल सकते हैं, मसला नहीं है। बॉटम में थोड़ा एहतियात कर लें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बिल्कुल, अगर जो बैट्समैन है जो बैटिंग करता है रोज़ाना, और मतलब खेलते हैं मैचेस वगैरह खेलता है, उसको आइडिया होगा किस तरह खेलना है, सीधे बैट से खेलना है, और
अपर शॉट, ये लाड़ापन जो क्रिकेट होती है वो, अगर उससे आप ग्रेस करें, ये नया बैट होता है, ये बॉटम इसका निकल जाता है क्योंकि इसका बॉटम बना हुआ नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं हमारे सब क्या सीन है देखें आगे, फिर दूसरा बैट हमारे सब को नज़र आया। सब बैट चेक कर रहे हैं और ये एसएम स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं हम, क्योंकि हमें सीए के बैट्स तो समझ आ रहे थे लेकिन रेट्स हमें काफ़ी हाई लग रहे थे और फिक्स प्राइस से हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे, तो अभी एसएम स्पोर्ट्स पे आए हैं। जब तो हमारे साथ हार्ड बॉल के बैट्स वगैरह निकाल लें, क्योंकि शकील भाई जानने वाले हैं एसएम स्पोर्ट्स के, तो वो आ रहे हैं तो उनसे भी थोड़ी बात करते हैं अगर वो आ जाएँ जब तक। तो बच्चे भी ज़रा बैट देख रहे हैं। हाँ भाई अशर भाई, कौन सा बैट चाहिए आपको? इधर ज़रा देख के आप बताएं। ये सीए ढूंढने आए हैं। अच्छा एक मुझे बताओ, एक बैट चाहिए आप सबका? सब खेल लोगे? चार बैट? इब्राहिम भाई क्या चल रहा है ये भाई? चार बैट चल रहे हैं और चार बैट आएंगे, फुल कड़क माहौल बना हुआ है यहाँ तो क्रिकेट का। भाई लग रहा बस यहाँ जाते ही घर पे ऐसा मैच होने वाला है, एक हसनैन को कैप्टन बना देंगे, एक दफा सुलेश को कैप्टन बना देंगे। अली भाई आपको भी बैट चाहिए? चाहिए भाई, इनको भी बैट चाहिए, इनको अलग ही सीन है इनका, ये विकेट चाहिए इनको, पूरी किट ले रहे हैं भाई। सही है, अभी जब बच्चे बैट देख रहे हैं इनको पसंद आते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। हाँ भाई कौन सा बैट दिखा रहे हो अभी? देखिए यार बैट खोलते हैं, दिखाते हैं इनको, ये दिखा रहे हैं हमें। बैट तो हमने पसंद कर लिया, मैं दिखा सकता हूँ आपको, बेहतरीन बैट हैं और रेंज 55-60 तक के बैट हैं और ग्लव्स चेक कर रहे हैं शकील भाई ने, देखा है हमें HS के बोले हैं बेहतरीन नंबर वन ग्लव्स हैं। वहाँ सब कंफर्टेबल हैं, पहन के मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके लग रहा है। ज़रा बैट वगैरह पकड़े दिखाएं, ज़रा बैट देखो, हमारे को बैट दो। ये HS है 41, ओके ओके ग्लव्स में भाई। देखिए हमारे बैट डन हो गए, ग्लव्स डन हो गए, चेक कर रहे हैं हम कीपिंग ग्लव्स, हमें कंफर्टेबल हैं, आराम से बंद हो रहे हैं, वो एक हार्ड नहीं है, एक फारिक होती है ना उस तरह की नहीं है, बिल्कुल ओके हैं। क्या क्या रखिए हमारे साहब? ग्लव्स ले लिए, ये हमारे साहब रोबो आर्म ले चुके हैं, हमारे साहब बेहतरीन लग रही है प्रैक्टिस के लिए, तो बेहतरीन चीज़ है ये। अच्छा ये कोई टाइट बंदा हो जानदार हो तो आएगी, 140 क्यों नहीं आएगी? सीमेंट के लिए, सीमेंट पे आएगी। और ये क्या रेट क्या है इसके, ज़रा बता दें व्यूअर। 8,500 रुपये ये आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल क्वालिटी है ये, और ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, बेहतरीन चीज़ है। और कीपिंग पैड भी चाहिए हमें, तो ये इन्होंने निकाल दिया बेहतरीन CA+। भाई क्या प्राइस है इसके, कीपिंग पैड से क्या प्राइस है भाई? 3,500 रुपये कीपिंग पैड से। सही है, अगर जो नहीं खेलते तो मैं इनको बताना चाहूँगा कीपिंग पैड्स, ये आम जो पैड्स होते हैं नॉर्मल बैटिंग पैड से छोटे होते हैं। और ये टी ब्रेक हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं। अली भाई आप चाय पी रहे हैं, कैसी लग रही है आपको चाय? मज़े की है, मीठी है या बगैर शुगर की है? मीठी, मज़े की। ज़रा यहाँ देख के बात करें, आपकी मम्मा भी देखती है हमारे ब्लॉग, सलाम कर दो मम्मा को। और रात में बताया, रात में दावत है क्या, खाना क्या रात में, ये बताया? बिरयानी फोड़नी है, मोटे ही होते हैं असल में, कीपिंग कीपिंग के होते हैं ना, लगे नहीं इसलिए। इनको कुछ पता पता नहीं, आ गए ये पूछने बस, और इनको सब पता है, आपको जो जो पूछना इनसे पूछे। और कोई अच्छी चीज हुई मैं पूरी देर ले जाऊंगा इनको सब। और सेठ साहब यहाँ बैठ के चाय पीने, सेठ साहब मजा आ रहा है आपको चाय पीने में? इनका एक आधा हाथ टूटा हुआ, एक कैसे टूटा, ये हाथ से कैसे हुआ, किसने मारा आपको? भाग गया टपक गया। तो आप लोग बिना देख के भागे। ये खारी साहब है, खारी साहब ये क्या छुपा रहे हैं, बोले जेब में नहीं रखे, खारी साहब इधर आ जाए प्लीज, खारी साहब, खारी साहब भाग गए। टी ब्रेक हो चुका है, बाकी हमारे हम सामान जो जो हम ले रहे हैं उसको हम एक साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जाएंगे, आसान भी हमारे कज़न है, इन्होंने अमेरिका से मंगाई है क्योंकि उन्होंने टीम बनाई हुई हार्ड बॉल की, तो उनको बेस्ट चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से SM स्पोर्ट्स शकील भाई की, तो ये बेस्ट चीज़ें निकाल के दे रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें बाहर जाएंगी। ये बच्चों के लिए हमारे साथ टेनिस बॉल ले लें। हमारे क्या प्राइस बता रहे हैं टेनिस बॉल के? यार ये तो 100 रुपये की देंगे मुझे। 100 रुपये की मंगाइए। हाँ वही ऐसे ही होता है। सही है, बोले मंगाइए और ये आप ले जाएं और बाकी आप ऑर्डर करेंगे तो वो मंगाइए। ये सीन है, आप खुशी देख सकते हैं। कोई वो हार्ड बॉल से खेल रहा है, वो कलमा सुना रहे टोपी पहन के। बॉल्स भी आ रही हैं, बैट भी आ रहा है, बहुत खुश हैं बच्चे आज। नमाज़ का टाइम हो चुका था और सामान वगैरह थोड़ा सा हमारा रह चुका था, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये करियाबाद पे आप आए तो ये बैक पे ही मस्जिद बनी हुई है, अगर आपकी नमाज़ निकल जाए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम सब साथियों ने नमाज़ पढ़ी है। अब दोबारा शकील भाई की दुकान वहाँ जा रहे हैं SM स्पोर्ट्स, तो हमारा जो जो रह गया उसको फिर एक जगह करते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। फिर भाई ये टोटल चल रहा है, हमारे साथ टोटल कर रहे हैं। ये 1.5 लाख से ऊपर ही गाड़ी बन चुकी है अभी। ये बच्चों के बैट ले लिए हैं। ये बैट किसका है? मेरा। ये अशर का बैट है और ये किसका है? अली का बैट है। ये किसका है? ये वाला हसनैन का, हसनैन भाई का बैट है। और ये जो T20 मटेरियल है ये है इब्राहिम भाई का। सारे बच्चे रेडी हैं भाई? मैच कब है ये बता दो। अब सामान जो ले लिया, मैच कब है? आज रात को हो जाएगा। आज रात को कड़क मैच है फिर। टीम भी लेना साथ में। टीम क्या, कैप्टन कौन है भाई? ओए ओए सारे कैप्टन है तो आप कमेंट से बताएं कैप्टन किसको बनाना चाहिए। ये छात्र बॉलर, ये ना भागने वाला फील्डर, ये खतरनाक कैप्टन, ये क्या बोला जाए वाइस कैप्टन, और ये सिर्फ बॉलिंग कराते हैं। इनका एग्जाम टूटा हुआ है तो आप बताएं कमेंट में कौन अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है अपनी टीम के लिए। ठीक है, रेडी है भाई, सामान वगैरह रेडी है, लड़के फुल फॉर्म में भाई। और हम यहाँ पे विकेट गिरा रहे हैं। हसनैन भाई हमने बोले भी लिए, आप बता सकते कितनी बोले लिए हमने? हमने एक बॉल ली, 9 बॉले लिए। 9 बॉले लिए भाई, कड़क भाई, फुल जबरदस्त 9 बॉले। टेप वेप सब ले चुके हैं आप तो रेडी है? मैंने टेप वेप ले लिए, टेप भी रख ली है, जबरदस्त भाई। चले भाई, बार्गेनिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली हमारे सामने। शकील भाई का निचोड़ के जो बिल बिल बना है 161,000 2000। हमारे साहब क्या बिल रहा? 161,000। और फुल निचोड़ लिया आपने शकील भाई को? हमने ट्रॉफियां भी खरीद ली हैं। मैं देखता हूँ निचोड़ के बनने में काम नहीं किया, बच्चों के बल्लों के बल्लों को मैं कह रही हूँ। अच्छा शकील, शकील भाई बैग बैग का भी लगा लिए? बैग के भाई बैग के साथ 63 होगा, 163,000। हमारे क्रिकेट रेडी हैं और अब किट वगैरह किट बैग वगैरह पैक करते हैं। और भाई SM स्पोर्ट्स के स्टिकर्स लग रहे हैं बैट पे, प्लेन बैट है और 50,000 का एक बैट ये, और दो हमने लिए 1 लाख। तो आप देख सकते हैं आप अच्छे बैट है, रेडी टू प्ले बैट है ना? रेडी रेडी बोलो। बॉटम वगैरह सब खुला हुआ है ना? बोलो बस, जाके तुक्के चौक का उस पे चक्का कर देंगे। आप देख लें, आपने शकील भाई की आपने बात सुन लिया। आसान भाई आप वीडियो देखें और फिर आप शकील भाई की बात पर अमल करें, बस आसानी करें बॉलर का। बॉलर कौन है सामने? वो आपको बैट लगाना है और बॉल बाहर। ये डन हो गई है, ये हमारा पूरा बैग बन गया, बच्चों के बैट्स वगैरह और ये हार्ड बॉल का पूरा बैग बन गया जो हसन भाई के पास जाएगा, अमेरिका में होते हैं। पूरा बैग रेडी हो गया। हम अभी अपडेट कर दो कितने पैसे हो गए टोटल, अपडेट कर दो। 1,67,500। ठीक है भाई, सारा सामान आ चुका है, देख चुके हैं आप। बाकी अभी सिर्फ ना हेलमेट का वो कवर रहता है, वो अभी वो देख रहे हैं, वो अभी लास्ट में वो दे देंगे तो हम बैग में रख देंगे। भाई ये वेट हो रहा है 18 kg का टोटल बैग, क्योंकि 22 kg लिमिट होती है मेरे ख्याल से, तो मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1,800 राउंड ऑफ 19 kg हो गया। भाई सामान वगैरह ले लिया और ये अब कहीं तरफ रवाना है हमारे साहब। 4 घंटे लगे भाई, देखिए बहुत टाइम लग गया हनीस भाई। जितना सिंपल मैं समझ रहा था इतना सिंपल था नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको जाता है, आप पसंद करते हैं, फिर उसके बाद और कस्टमर्स भी होते हैं, और आज संडे था तो संडे को तो आपको बताइए कि बहुत ट्रैफिक भी था, मतलब ट्रैफिक से मरा दिए कि कस्टमर ट्रैफिक था और कस्टमर बहुत आ रहे थे, हिसाब किताब नहीं कर रहे थे, टाइम लग रहा था, उनसे बिलिंग नहीं हो पा रही थी। उनके वक्त उनके पास दुकान पे जो है वो कस्टमर को डील करना है, लड़के कम थे क्योंकि कस्टमर जो है बहुत टाइम लगा रहे थे, हमने भी 4 घंटे लगा थे, लेकिन और कस्टमर भी जो आएंगे वो भी इतना इतना टाइम लगाएंगे सिलेक्शन के अंदर। समझ में नहीं आती थी बार दफ़ा कि बैट जो है वो ये वाला अच्छा है या फलाना अच्छा है, कन्फ्यूज़ आता है आदमी, इतने सारे बैट्स होते हैं दुकान के ऊपर,
एक दुकान पे आप 100 बैट रखे हुए हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि यार मुझे कौन सा ज़्यादा समझ में आ रहा है। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई, किसी का वेट अच्छा होता है तो किसी का बैलेंस अच्छा होता है, तो कभी किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ। और बैट्स ही नहीं, और भी चीज़ें लेने आए थे, उसमें भी कन्फ्यूज़ होगा, कीपिंग ग्लव्स होगा, पैड्स होगा, हैट हैं, और इनर हैं, गार्ड्स हैं, हेलमेट हैं, मतलब हर चीज़ को सिलेक्शन करने में इट टेक्स टाइम। तो आप लोगों से यही है, कोशिश करें कि कभी संडे को इस तरह से ना आए, संडे को कस्टमर जो है वो ज़्यादा होता है और वीक डेज में जो है ना वो कस्टमर इतने नहीं होते। आज संडे नहीं है एक्चुअली, आज तो सैटरडे है, सैटरडे है सॉरी, लेकिन सैटरडे वीकेंड ही है, वैसे भी रश होता है, ये वीकेंड ही का ऑफ होता है। हां ये वीकेंड का लगेगा क्योंकि एक किलो प्लानिंग कर रहा है, कल उनके मैचेस होंगे, सुबह किसी का मैच है तो किसी का दोपहर में मैच है, तो किसी का आज नाइट मैच है, तो अच्छा रहा और अच्छी शॉपिंग रही, मजा आया। और देखते हैं इसको जब खेलने जाएंगे तो फिर कैसा मजा आता है। जी बिल्कुल। और बच्चों मजा आया आप लोगों को? हां बहुत मजा आया अली भाई, बहुत मजा आया। और आप 4 घंटे लग गए परचेजिंग में, और आप रश देख सकते हैं, कराची का रश, करियाबाद का ये इलाका है, आप रोड देख सकते हैं, फुल रश हो रहा है यहाँ। और अभी हम घर पे दावत भी है, कुछ और भी प्लान्स हैं, सामान वगैरह उठाना है, रबड़ी उठानी है मीठे, और वो चीज़ें भी उठानी है, और बाकी जो हमारी एक वीडियो थी एक हमने बनाई थी एक स्पोर्ट्स के हवाले से, वो हम अब क्लोज़ करते हैं, और आप बताएगा आपको चीज़ें कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफिज़।